अब आते हैं दिल्ली में जो आपकी लड़ाई है, मनोज तिवारी आपके नाम के ऐलान के साथ ही उन्होंने कहा, एक तो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य आपको आपके विरोधी बताते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये 48 दिन लगभग 50 दिनों के भ्रमण पर आए हैं कन्हैया कुमार, आप 50 दिन घूमने आए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली, ये मनोज तिवारी की पहली प्रतिक्रिया थी आपके ऐलान। देखिए सबसे पहली बात तो जो है मनोज जी बड़े अच्छे कलाकार हैं, वो क्रिकेट भी खेलते थे ये कम लोगों को पता होगा, अच्छा यॉर्कर फेंकते थे तो बढ़िया फेंकते हैं वो, अच्छा बॉलिंग करते थे वो, रणजी भी खेले हुए हैं तो मैं उनको जानता हूँ बहुत दिन से, और किसी भी बिहार के व्यक्ति के लिए जो कलाकार होते हैं जो गाते हैं लोगों का मनोरंजन करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, हम लोग मतलब गाना सुनते हैं खुश होते हैं शादियों में पार्टियों में, तो वो अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे कोई व्यक्तिगत जो है ना मतभेद नहीं है। जहाँ तक दिल्ली आने का सवाल है, तो मनोज जी जब सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे तो उसी क्षेत्र में जहाँ से वो सांसद हैं हम रह करके UPSC की तैयारी कर रहे थे, हम नेहरू विहार रहते थे 2009 से नेहरू विहार रह रहे थे, और उसके बाद नेहरू विहार से ही जो है मतलब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उसके बाद साउथ दिल्ली चले गए जब हमारा एडमिशन JNU में हो गया, तो वो जब दूसरी पार्टी में थे, भाजपा में भी नहीं थे, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, तो हम तब से दिल्ली रह रहे हैं, और मैंने एक बिहारी दूसरे बिहारी को बाहरी क्यों कहेगा, इसका क्या मतलब है, मतलब वो भी उस तरह से तो जो है हम दोनों एक ही हैं, तो उनको भी जो है एक बात बताइए कि मुजफ्फरपुर का आदमी हो कि भभुआ का आदमी हो कि दरभंगा का आदमी हो कि बेगूसराय का हो, बिहारी तो सब बिहारी है, और जो है बिहारी जब कहीं जाता है बिहार से बाहर तो हर जगह उसको बाहरी कहा जाता है, चाहे वो दिल्ली हो कि मुंबई हो। आपको बाहरी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि आप बस घूमने आए हैं 50 दिन और उसके बाद फिर आप चले जाएंगे। अच्छा, तो वो खुद नहीं घूम रहे हैं वहाँ, मैं तो लोगों से बात किया, लोग बोला कि आते ही नहीं है, तो वो खुद जहाँ कैसे लड़ेंगे आप कन्हैया मनोज तिवारी से? ठीक है, दो बार के वो MP हैं, इतने बड़े सुपरस्टार भोजपुरी सिनेमा के हैं और एक जाना माना चेहरा है अब सियासत में, BJP के एक बड़े चेहरे हैं, कैसे आप उनसे टक्कर लेंगे, कैसे उनको आप तीसरी बार जीतने से रोकेंगे? वो जनता रोकेगी ना सर, वहाँ जो 24 लाख वोटर हैं वो उसका फैसला करेंगे कि उनके बिहाफ पे पार्लियामेंट में कौन जाएगा, मनोज तिवारी को ही अगर वो भेजना चाहते हैं तो वो जाएंगे, अगर उनको लगता है कि नहीं ये आदमी तो जो है यहाँ आते ही नहीं है, काम ही नहीं करते हैं, मिलते ही नहीं है, ज़्यादातर वक्त जो है वो तो TV में ही दिखाई देते हैं और जो है कभी कभी वीडियो में जो है अमित शाह जी को पानी पिलाते हुए नज़र आते हैं, तो वो तो वहाँ तो नहीं है ना, वहाँ के लोगों को के पानी की व्यवस्था करना, वहाँ के लोगों के लिए अस्पताल की व्यवस्था करना, सड़कों की व्यवस्था करना, ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त करना, वहाँ शांति कायम रखना, तमाम जो अलग अलग, क्योंकि सिर्फ बिहार के लोग तो वहाँ रहते नहीं हैं, वहाँ तो हर समाज के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं, बिहार के भी हैं, बंगाल के भी हैं, उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है उत्तर पूर्वी दिल्ली का कन्हैया कुमार के लिहाज? देखिए अभी एक तो मेरा खुद वहाँ रहने का एक्सपीरियंस है, तो आप सब जानते हैं कि यमुना पार इज अ थिंग, ये सबको मालूम है, ठीक है। क्या मुद्दा है, आप क्या करें? हमारे ख्याल से वहाँ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक बड़ा सवाल है, चाहे आप ट्रैफिक की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, सड़कों की बात करें, ये वहाँ एक अभी जो मुद्दा मुझे लोगों ने बताया है, जितने लोग कह रहे हैं यमुना पार का इलाका विकास में पिछड़ा हुआ है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली के बाकी क्षेत्रों का विकास हो रहा है उस रफ्तार से जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूछा जाएगा कि इसके लिए जिम्मेदारी तो फिर इंडिया गठबंधन की है, 15 साल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, लगभग 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इंडिया गठबंधन की सरकार है दिल्ली में, फिर इलाका पिछड़ा है, तो लोग आपको वोट क्यों दें? तो फिर 14,000 करोड़ जो है मनोज तिवारी कहाँ खर्च कर रहे हैं, अपने पोस्टर पे, ये भी पूछा जाएगा ना, वो जो कह रहे हैं कि 14,000 करोड़ हमने खर्च किया, फिर वो कहाँ खर्च किया, जब देखिए यही गेम है, अगर वहाँ विकास नहीं हुआ इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है, ठीक है, तो वहाँ जो भी विकास का काम हुआ है, अब मैं आता हूँ, सिग्नेचर ब्रिज बना है, कई पुल बने हैं यमुना पे, मेट्रो बना है वहाँ पे जो है अलग अलग, वो तो नई बसावट है पूरी तरह से, तो फिर वो विकास किसने किया है, मतलब गाली हमको दीजिएगा और काम का श्रेय जो है किसी और को दे दीजिए। ABP News आपको रखे आगे।